नमस्कार दोस्तों, एनटी स्टैक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर किया जाता है और प्रॉक्सी सर्वर क्या है उसके बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। प्रॉक्सी सर्वर से क्या क्या होता है, किस तरह किस किस प्रकार की प्रॉक्सी होती है और प्रॉक्सी क्या है उसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या है दोस्तों, तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ प्रॉक्सी सर्वर क्या है। सारे कुछ यूजर जो टॉरेंटिंग यूज कर रहे हैं, टॉरेंट से मूवीज डाउनलोड कर रहे हैं, टॉरेंट एक्सेस कर रहे हैं, यानी जो ब्लॉकेड कंटेंट है वो भी एक्सेस कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे यूजर प्रॉक्सी साइट से टॉरेंट को एक्सेस कर रहे हैं। यानी प्रॉक्सी क्या है, प्रॉक्सी एक इस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन सेट की हुई होती है उसका कैच सर्वर, यानी कि अगर ये सर्वर बंद हो जाए तो उसकी उस सर्वर को स्टॉप करने के बाद दूसरे सर्वर में से एक्सेस मिल जाता है। अगर दूसरा सर्वर बंद हो जाए तो तीसरे सर्वर में से लॉगिन मिल जाता है। कंटेंट उसका वही होता है, डेटाबेस भी उसका वही होता है और डायरेक्टली एक्सेस मुझे मिल जाता है। अभी प्रॉक्सी सर्वर की मैं से कई सारे बेनिफिट होते हैं। प्रॉक्सी सर्वर से आप अपने सिस्टम के अंदर इंटरनेट का मैनेजमेंट भी कर सकते हो, यूजर को ब्लॉक भी कर सकते हो, यूजर कौन कौन सी चीजें देख रहा है उसका भी मॉनिटरिंग कर सकते हो, कौन सी चीज उसने डाउनलोड की, कहां से डाउनलोड की, किस समय उसने डाउनलोड की, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्रॉक्सी से आप ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो कि पर्टिकुलर टाइम जोन के अंदर आपको उसको यूजर को लॉगिन करवाना है, यानी कि आपको सिर्फ यूजर को 12 से 5 के बीच ही लॉगिन करवाना है, तो आप प्रॉक्सी सर्वर की मदद से ये सारे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो। और तो और प्रॉक्सी सर्वर की मदद से आप यूजर को डेट टाइम किस टाइम को उसको लॉगिन होना है, किस तरह से उसको मॉनिटर करना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप प्रॉक्सी सर्वर की मदद से कर सकते हो। अभी बात मुझे आपको ये करनी है कि अगर आप कंपनी के अंदर सारी की सारी कंपनी के अंदर प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर किए होते हैं, यानी कि जो भी यूजर नेट यूज करता है कंपनी का, इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज करता है और कुछ इलीगल काम करने वाला होता है या फिर इलीगल वेबसाइट्स एक्सेस कर लेता है, तो उस दौरान उसको पता चलता है कि जो कुछ भी वो एक्सेस कर रहा है, यानी कि जो भी कुछ उसने एक्सेस किया हुआ है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसकी सारी की सारी वेब हिस्ट्री सिस्टम के अंदर स्टोर होती है। और ये जो हिस्ट्री स्टोर होती है उसकी वजह से यूजर को पता नहीं होता है कि वो उसने क्या क्या एक्सेस किया, यानी कि अगर आपने ब्लॉकेड कंटेंट यूज किया हुआ है आपकी कंपनी की पॉलिसी के बिना पे, तो आपको सजा भी हो सकती है और आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। प्रॉक्सी सर्वर की वजह से आपकी जो हिस्ट्री है वो मॉनिटर हो सकती है। अगर आपने अपने गूगल क्रोम के अंदर प्रॉक्सी को हाइड कर रखा है या आपने वेब हिस्ट्री को ब्लॉक कर रखा है, तो वेब हिस्ट्री को ब्लॉक करने से सिर्फ गूगल क्रोम में ही या ब्राउजर में वेब हिस्ट्री को ब्लॉक करने से आपकी जो भी एक्सेस कुकीज है वो ब्लॉक नहीं हो जाती है। उसके लिए आपको देखना होगा कि प्रॉक्सी सर्वर के अंदर क्या आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है या नहीं जा रही है। सभी सर्वर के अंदर प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फिगर किया हुआ होता है, जिसकी वजह से आपकी जो भी वेबसाइट ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो मॉनिटर होती है। इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि किस तरह से वेब हिस्ट्री मॉनिटर होती है और किस तरह से लोग या जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपको आपके पर किस तरह से मॉनिटरिंग करता है, और अगर आप कहीं पर भी गलत चीज आ गए तो किस तरह से वो आपको डिटेन कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉक्सी सर्वर किस तरह से कॉन्फिगर होता है और किस कौन कौन सी चीजें उसमें मॉनिटर होती है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, तभी। धन्यवाद।